वेलकम टू नया स्वाद चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी सैलेड बना रहा हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत इजी है। इस सैलेड का नाम है रेनबो सैलेड। इस सैलेड को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो इस प्रकार है: ग्रेटेड गाजर, श्रेडेड रेड कैबेज, डाइस्ड क्यूकम्बर, श्रेडेड ग्रीन कैबेज, डाइस्ड एंड डिसीडेड टमाटर, चॉप ग्रीन एप्पल, आप ग्रीन एप्पल की जगह नॉर्मल एप्पल भी ले सकते हैं, परंतु वो ग्रीन एप्पल का खट्टा मीठा टेस्ट इस सैलेड में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा चॉप प्याज, चॉप धनिया पत्ती, चॉप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, चॉप पार्सले, पार्सले ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, और चॉप कलर्ड बेल पेपर्स। यहाँ पे मैंने 3 रंग के बेल पेपर लिए हैं, जैसे कि रेड, येलो और ग्रीन। इसके अलावा ये फेटा चीज़, अगर आपको फेटा चीज़ नहीं मिले या आपके पास ना हो तो आप उसके जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो इस प्रकार है: ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, मस्टर्ड सॉस, विनेगर और एडलेस मेयोनीज। मेयोनीज का रेसिपी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब हम सैलेड बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में ये मेयोनीज डालेंगे। मस्टर्ड सॉस डालेंगे, थोड़ा विनेगर डालेंगे, अब थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, वापस से अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पहले ये गाजर डालेंगे, अब रेड कैबेज डालेंगे, फिर ये चॉप खीरा डालेंगे, अब ये सारे बेल पेपर्स डालेंगे, ये पत्ता गोभी डालेंगे, प्याज डालेंगे, ग्रीन एप्पल डालेंगे, अब ये चॉप डिसीडेड टमाटर डालेंगे, थोड़ा चॉप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालेंगे, और थोड़ा पार्सले डालेंगे, और इसके अलावा थोड़ा चॉप धनिया पत्ती डालेंगे। अब लास्ट में ये फेटा चीज डालेंगे और इन सबको जेंटली मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी कलरफुल रेनबो सैलेड तैयार है। अब हम इसका प्लेटिंग करेंगे।
अब इसका गार्निशिंग थोड़ा चॉप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, पार्सले और कोरिएंडर लीफ से करेंगे। ये हमारा बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेनबो सैलेड सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एगलेस मेयोनीज बना रहा हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो इस प्रकार है। सनफ्लावर ऑयल 1 कप, मिल्क 1/2 कप, ग्रेटेड गार्लिक 3/4 टीस्पून, ग्रेटेड गार्लिक ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, 3/4 टीस्पून मस्टर्ड सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून शुगर और सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में तेल डालेंगे, अब दूध डालेंगे, अब इसको एक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। अब इसमें ये क्रश्ड गार्लिक डालेंगे, मस्टर्ड सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, शुगर डालेंगे और नमक डालेंगे। अब इसको 2 मिनट तक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ये हमारा मेयोनीज बनके तैयार है। इसको आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें और जब भी इच्छा होए सैंडविच, बर्गर्स और सैलेड में यूज करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और फ्रेश रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।